डॉक्टर रुबिंदा जी के साथ किसानों से हम निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए दिल्ली में रैली निकाल रहे हैं। निजी क्षेत्र में आरक्षण ये आने वाले नस्ल का भविष्य बनाने वाली मांग है। इससे इस देश के दलित आदिवासियों का भविष्य बदल हो सकता है। अगर इस क्षेत्र का आरक्षण नहीं मिलेगा तो इस देश के दलित आदिवासी फिर से गुलाम बन जाएंगे और वो स्थिति है और वो स्थिति ना पैदा हो, इसलिए हम ये संघर्ष कर रहे हैं। दुनिया के 50 देशों में निजी क्षेत्र में सामाजिक पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाता है। अमेरिका जैसा देश में अगर निजी क्षेत्र में आरक्षण देता है तो इस भारत को क्या तकलीफ है जिस मनुष्य मोदी ने हमें हजारों साल से गुलाम बना के रखा है। इस देश के काबिलों ने आप इस देश के काबिलों ने काबिल साबित करने का मौका मांग रहे वो हमारा हक भी है। इस देश के काबिल हमारी साबित करने का वो हमारा हक भी है और निजी क्षेत्र में हम वो हमारा हक मांग रहे हैं। दोस्तों खाओ पहले खाओ। निजी क्षेत्र में आरक्षण के सिवा शिक्षा की भी मांग हम कर रहे हैं। भारत सरकार छात्रवृत्ति इन 60 सालों में कभी भी महंगाई के दर से नहीं दी है। क्या आप बेटे जो एम्प्लॉई थे वो पांचवा छठवा सातवा वेतन आयोग उठा रहे हैं मगर छात्रों के छात्रवृत्ति के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे और कोई महंगाई निर्देशांक से लगाया नहीं गया है। निर्देशांक में भी क्या आया है अभी तक कोई भी छात्रवास सेंटर को निर्देशांक किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बने करवाया है। वो संवैधानिक राइट है छात्रों का जो सामाजिक राजनीतिक पिछड़े छात्र है उनका शिक्षा ही करने की जिम्मेदारी सेंटर को ने की है मगर सेंटर को भी वो ईमान नहीं है। हम वो ईमान कर रहे हैं अब वो संवैधानिक